गोलाचीका में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने मंडी का निरीक्षण किया, जिसके चलते काफी मात्रा में कमियां पाई गई। पदाधिकारियों ने आरोप लगाए कि आढ़तियों व राइस मिलर्स की मिली भगत से किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। मेरा प्रदेश महासचिव राम पवनावा, हाँ जी, हमें मंडी में दौरा करने के लिए आए आज, हाँ जी, जीके की तरफ से। आज हमने देखा कि तेरा मुक्तर की भी धान को उठाया नहीं जा रहा। क्या कारण है जी तेरा मुक्तर को? सैकड़ों वाले की और इनकी मिली भगत है। किन की मिली भगत है? ये आड़ती होगी और इनकी खेलर वालों की, इनकी मिली भगत से किसानों को लुटाया जा रहा है। और हम किसी भी कीमत पर लूट देंगे, जितनी भी डेयरी सदर में उतर रही है आज हम सारी उठा देंगे। अपना टेंट लगाओ भाई, नहीं तो हम यहाँ बीके यू वाले अपना टट लगा कर बैठेंगे। यहाँ पर सेक्रेटरी को बुला रहे, तेरा मुक्तर की भी शर्मिंदा नहीं जिसको क्या सरकार, किसान विरोधी सरकार है, क्योंकि तेरा मुक्तर की जीरी को भी मंडियों में कुछ देख रहे हैं, कुछ ले नहीं रहे हैं। सुखविंदर सिंह जी, आज आपने मंडी का निरीक्षण किया, क्या पाया गया? बहुत ही कम रेट से जीरी बिक रही है, जो सरकारी रेट उसके बहुत कम। सारा जो प्रशासन है, मिले जुले चल रहे प्रशासन और इसकी अपना मार्केट कमेटी वालों की और सेलरों की आड़तियों की सारी मिली से हो रहा जो हो रहा। और किसानों के साथ जो माल बिक रहा है सरकारी रेट में लिखा जा रहा है, वो हाँ जी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जो भी सरासर गलत है, सरासर किसानों से धोखा है, बहुत ही तगड़ा धोखा कर रहे हैं। इसके मापदंड कैसा मिला आपको? मापदंड ऐसे है, अभी कई तो मोचर 13-13 पाए, वो भी कम रेट पर बिक रही है। और निरीक्षण किया मंडी का, हमारे ऊपर से भी आए हुए थे काफ़ी किसान, तो नेता हमारे आए हुए थे, उन्होंने भी देखा और बहुत ही इस मंडी में लूट चल रही है। मंडी नहीं रही, ये तो एक किस्म से लूट का अड्डा बना लिया सरकार ने। किसानों का मोस्टर सरकार कहती है 17% से कम की नीति ऊपर से हम खरीदेंगे नहीं, 13% की डेयरी मोस्टर की, और इस डेयरी पे भी औने-पौने दाम लगा कर 13% की डेयरी पे किसानों को लूटे जा रहे हैं। और आपके सामने राइस मिलरों द्वारा आड़तियों द्वारा दुकानों में बुलाकर आड़तियों को डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। ये सरकार की, राइस मिलरों की और यहाँ का प्रशासन, जो मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी है, इनके साथ मिलकर सरेआम किसानों को लूटे जा रहे हैं और किसानों को डरा कर धमका कर पौने पौने दामों में उनकी 6 महीने की गाढ़े खून पसीने की कमाई को लूटने का काम ये सरकार कर रही है। और हम सरकार के यहाँ जो सीआईडी सिक्योरिटी के साथी हैं, इनको चेतावनी देते हैं कि अगर किसान को डराने और धमका कर उसकी गाढ़े खून पसीने की कमाई को लूटने की कोशिश की गई तो फिर भारतीय किसान यूनियन का कार्यकर्ता यहाँ सड़कें जाम करने से भी पीछे नहीं हटेगा। उसकी जिम्मेवारी यहाँ के प्रशासन की होगी और हरियाणा सरकार की होगी। मोस्टर चेक करने की जिम्मेवारी किसकी है? मोस्टर चेक करने की जिम्मेवारी मार्केट कमेटी के अधिकारियों की, खरीद एजेंसियों की, लेकिन वो लोग भी इसे मिले हुए हैं, वो आड़ती, राइस मिलर और खरीद एजेंसियां, ये सब मिलकर इस पूरे के पूरे इस प्रकरण को अंजाम दे रही है। किसान यूनियन वालों ने आपके सामने कुछ डिमांडें रखी हैं, क्या वो डिमांडें थी और मंडी का निरीक्षण किया है? उनकी डिमांड ये थी, एक तो उन्होंने मंडी का निरीक्षण किया सभी ने, एक तो उन्होंने कंडों पे तोल चेक किया, तोल सारे सही पाए गए, मोस्टर चेक किया, मोस्टर 20 से लेके 22-23 तक था सारा। और एक डिमांड उनकी ये थी भी रेट कम लग रहा है, बट हमारे पास कोई ऐसी कंप्लेंट आई नहीं, जो आएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी भी ऐसा रेट क्यों लगाया जा रहा है। और दो डेयरी वालों के यहाँ बढ़ती उन्होंने मॉक्चर चेक किए, हाँ जी हाँ जी, एक का मॉक्चर 13 पाया गया, हाँ जी, और एक का 16 कुछ पाया गया, और उनकी कम रेट डेयरी खरीदी थी 1730। मेरे सामने कोई ऐसा केस आया नहीं, आया तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा, क्यों रेट कम लगाया जाए, जब मॉक्चर उसका ठीक है, सारा को ठीक है, फिर रेट कम लगाने का ज्यादा मतलब है।